दोस्तों टाइगर थ्री का स्क्रीन कॉन सामने आ चुका है, जिसे मैंने आप लोगों के सामने कहा था दो दिन पहले कि टाइगर थ्री की स्क्रीन कॉन कुछ इस तरह से होगी। बिल्कुल वैसा ही माहौल, वैसे ही आलम नजर आ रहा है। और टाइगर थ्री को जो स्क्रीन्स मिले हैं इंडिया में 5500 मिले, यही मैंने कहा था कि इतने स्क्रीन्स कम से कम इसको मिले थे, यानी कि जितने स्क्रीन्स पठान और जवान को मिले थे उसी तरह से स्क्रीन्स मिले टाइगर थ्री को। और उसी मार्केट में टाइगर थ्री को जो स्क्रीन्स मिले हैं वो ओमान कुवैत कतर में बैन होने के बावजूद, जी हाँ दोस्तों ये ऑफिशियल हो चुका, ओमान कतर कुवैत बैन हो चुकी है, उसके बावजूद 3400 स्क्रीन्स ओवरसीज मार्केट में मिले, यानी 3400 स्क्रीन कुल मिलाकर इसको जो स्क्रीन्स मिले हैं वर्ल्ड वाइड में वो 8900 मिले हैं। 8900 स्क्रीन्स एक बहुत अच्छा स्क्रीन काउंट है, ऑलमोस्ट 9000 स्क्रीन्स, और वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीज वायरफ की ये होने वाली है। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, और कमाल की बात है कि टाइगर थ्री को इतनी वाइडेस्ट रिलीज मिल रही है। अब एक चीज़ तो साफ है कि इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों ही जगह फिल्म दबा के कमाई करेगी। हालांकि रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन पिछले अगर एक घंटे की बात करें तो 14,000 से 15,000 टिकट बिके हैं, यानी कि जोश लोगों में बढ़ रहा है, एडवांस बुकिंग बढ़िया तरीके से हो रही है। उम्मीद करते फिल्म बहुत अच्छा फर्स्ट डे कलेक्शंस करे। चलिए फिलहाल कितना ही, बाय बाय, टेक केयर।